इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। शेरपुर मेन मार्केट में किस्मत अली और गरीब नवाज मुस्लिम काउंसिल कमेटी की तरफ से ताजिया निकाला गया। ताजिया एक दूसरे से मेल मिलाप करते हुए शेरपुर 100 फुटी रोड करबला के मैदान में इकट्ठा हुए। विशेष तौर पर पहुंचे इलाका पार्षद राजू अरोड़ा, हल्का साउथ इंचार्ज ईश्वर जोत सिंह, चीमा मोहम्मद गुलाब कमेटी के लोगों ने सम्मिलित किया। इस मौके पर जलालुद्दीन प्रधान, तैयब अली किस्मत इस पवित्र दिन को मनाया जाता। आप देख सकते हैं भी बहुत ही उत्साह के नाल सारे भाईचारे वालों मनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जितना खुशियां का जितना शांतमई तरीके इतों शुरुआत हुई है, ऐसी शांतमई तरीके ये सारा जो प्रोग्राम है मुकम्मल होगा। सारियां अज के दिन के फिर एक जी कहते इंसानियत से जोड़ा सब तो व्डा होता इंसान का जो फर्ज है वो याद कराते हुए उम्मीद करते हैं भाई ये सुखी शांति सारा कुछ इस उत्साह न सारा प्रोग्राम चलूगा तो आखिर तक संपन्न होगा। और 100 फुटा रोड पे लगभग पूरी दुनिया में मनाने वाला मुहर्रम का दिन जो हमारे इमाम हुसैन साहब की शहादत में हम सब मिलजुल कर उनकी शहादत के दिन को याद करते हैं। सबसे पहले मैं लुधियाना प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज पूरे लुधियाना शहर के अंदर बहुत ही पुख्ता सुरक्षा का इंतज़ाम कर रखा है। साथ ही साथ अपनी समुची कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान वासियों को लुधियाना में गरीब नवाज मुस्लिम काउंसिल कमेटी की तरफ से जो हर साल शेरपुर 100 फुटा रोड में अलग अलग व्यवस्था की जाती है, मैं उनको भी शुक्रगुजार हूँ। और ये भी अपील करना चाहता हूँ हमारे लुधियाने के तमाम मुसलमान भाई बहन इस त्यौहार को जिस तरह से अपने घरों से सुरक्षित निकले हैं, खुशी खुशी अपने इस इबादत के दिन को त्यौहार को मनाकर अपने घरों में समाज और अगल बगल का ध्यान रखकर अपने घर में प्रशासन का साथ देकर अपने घरों में पहुँचे। मैं जलालुद्दीन जलाल गरीब नवाज मुस्लिम काउंसिल कमेटी का जिला प्रधान हूँ और मैं आज ये हमारा मुहर्रम का जो त्यौहार है ये हमारे इमाम हसन और इमाम हुसैन जो करबला के मैदान में अपने दीन और इस्लाम के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था लेकिन अपने दीन और ईमान को बचा लिया, ये मैं पूरे इस मार्केट के एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस मुलाजिम का जिन्होंने अपना जी जान से हमारा सुरक्षा किया। मैं गुजारिश करता हूँ मीडिया वालों से उनका भी हमारे ऊपर एहसान है जिन लोगों ने हमारा साथ दिया। और हमारे तरफ से तमाम देशवासियों को लुधियाना निवासियों को हमारे तरफ से वो लाख 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 बधाई। और मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग हम लोग सभी आदमी मिलकर अपने रब से अपने परमात्मा से अपने अल्लाह ताला से दुआ करें, प्रार्थना करें कि हम लोगों को देश में शांति का प्रतीक रहे, हम लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें। यही मेरा आप लोग से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। आज मुहर्रम का दिन शेरपुर मोहती रोड और खासकर लुधियाना और पूरा पंजाब हिंदुस्तान के लोग मुस्लिम भाई करने के लिए बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और हम बताएं कि ये हिंदू सिख ईसाई और मुसलमान सब का एक साझा त्यौहार है, हम सब यहाँ प्यार से मनाते हैं। हर साल 42 साल हो गए हमको ये मनाते हुए, आज तक मतलब कि सबका ये भरोसेमंद है, सारा प्रतीक है हमारे भाईचारे का। और मैं शेरपुर मार्केट प्रधान मित्र सिंह संगम और इसकी हर साल जो है ऊपर वाले की दया से ये मैं हम इसका उपराला करते हैं
और सारा ये जो अल्लाह है, प्रभु है, वो हमको हिम्मत दे करके ये जो काम है, ये काम ना होने वाला काम है, फिर भी वो अपनी रहमत की नज़र रख के ये काम करवाते हैं। हम सब उनके आभारी हैं और ऐसे ही प्यार श्रद्धा भावना हर साल बनी रहे और ये त्यौहार हम मनाते रहें और भी जो त्यौहार हैं वो भी मनाते रहें और पंजाब हिंदुस्तान हमारा खुशियों और तरक्की की तरफ जाए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।